of the newly admitted student. Myself, Vikas Kishore, HOD in charge of Computer Science Engineering and Information Science. I am appointed here as a lecturer in Computer Science Department. आज मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि हम एक और शैक्षिक वर्ष की शुरुआत पर निकल रहे हैं। हम उन माता पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा और विकास का जिम्मेदारी हमें सौंपी है। अब मैं अपने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस के डिपार्टमेंट से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अभी तक हमने सारा डिपार्टमेंट के बारे में सुना, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, बट कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस को हम लोगों ने लास्ट में इसलिए रखा कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग सब डिपार्टमेंट के साथ कोलैब कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें हम कंप्यूटर साइंस नहीं लगा सकते, इंफॉर्मेशन साइंस नहीं लगा सकते। आज हमारा मेडिकल फील्ड भी कंप्यूटर साइंस को यूज कर रहा है, आज हमारा इकोनॉमिक्स भी कंप्यूटर साइंस को यूज कर रहा है। इसका माध्यम आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। आपको पहले कोई भी चीज खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था, आज हमारे पास Amazon है, Flipkart है, इसकी देन है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की देन है। एक कोडिंग के थ्रू आप घर बैठे दवा, मेडिसिन, डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। सिविल इंजीनियर को पहले डिजाइन करते थे वो पेपर पेन पे, आज एक प्रोग्रामिंग के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको 3D में वो स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं कि आपका घर ऐसा होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा। मैकेनिकल के थ्रू, मैकेनिकल के एग्जांपल के थ्रू आपको कंप्यूटर साइंस बताना चाहेंगे। हमारे कुछ बच्चे भी फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किए हैं, उसमें क्या किया है कि उन्होंने क्या किया है कि जो स्टेयर है, कुछ जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो स्टेयर नहीं चढ़ पाते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसा है कि वो स्टेयर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप के माध्यम से। तो मैकेनिकल में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में भी यूज कर रहे हैं, डिजीज का कर रहे हैं, डेटा। आप आज आपको सबको एक अनुभव हुआ होगा कि आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते होंगे तो उससे रिलेटेड आपको आपके फोन में बहुत सारी चीजें रिकमेंडेशन में आने लगता होगा। जैसे कि अगर आप हॉकी देख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको हॉकी के सारी चीजें दिखाई जाएगी कि हॉकी के लिए बैट है, ये बॉल है। तो ये क्या है, ये कंप्यूटर साइंस का ही देन है। कंप्यूटर साइंस एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से डेटा कलेक्ट करता है और आपका इंटरेस्ट जानने के साथ साथ वो बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बाकी हम जॉब के पर्पज से बात करें तो जॉब में आपके पास सरकारी जॉब की बात करें तो DRDO है, NIC है, बहुत सारे माध्यम है जहां पर आप जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर लोग चाहते हैं कि हमारे जो ये झारखंड बिहार यूपी के जो लड़के हैं उनके अंदर में होता है कि हमको प्राइवेट में जॉब नहीं करना है, बट आपको हम बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर साइंस में आप पढ़ने के बाद आप विश्वास ये करिएगा कि लोग ऐसे ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जिनका पैकेज इन सरकारी जॉब से कई ज्यादा है। सरकारी सुविधाओं की बात अलग है बट अगर आप पैकेज की बात करेंगे तो लोग 19 लाख 20 लाख ऐसे पे भी काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे कि सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ हमारे फोन के माध्यम से हो रहा था, ये किसका देन था? उस टाइम कंप्यूटर साइंस का देन था, प्रोग्रामिंग था, सॉफ्टवेयर था, इसके माध्यम से सारे फैकल्टी किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। कोई IIT से पढ़ गया है, कोई NIT से पढ़ गया है और कोई अभी IIT में पढ़ ही रहे हैं। तो आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस के बच्चों के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। रिसोर्स आपके पास बहुत है, आपका एफर्ट होगा, आप ऊंचाइयों तक जाइएगा, ठीक है। लैब बनाना चाह रहे हैं, एडवांस लैब बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आगे बात चल रही है। हम लोग आप लोग जब तक आइएगा तब तक लैब सेटअप हो जाएगा। कंप्यूटर फैसिलिटी है, KYP है, KYP में भी आप बताएं, इंफोसिस है, विप्रो है, HCL है, TCS है, गूगल है, Amazon है, ये सारी कंपनियां आज के डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेती है। वो ऐसे डिप्लोमा करके जाए या MTech या BTech करके जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हर एक कंपनी को जरूरत है। आपके छोटे लोकेलिटी में अगर एक मार्ट भी खुला है तो उसके पास PSU है, ISRO, BARC, DRDO, टीचिंग में आप कंप्यूटर साइंस में जैसे BTech करने के बाद ही आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे स्कूल में भी, सरकारी संस्थान में भी, पॉलिटेक्निक में भी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये सब कुछ लोगों हैं जिस कंपनियों के बारे में मैं बात किया, हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ प्लेस हैं। जैसा कि मुझे डेटा के बारे में उतना नहीं पता है बट हमारे यहाँ से भी 4 बच्चे कंप्यूटर साइंस में DRDO में गए हैं और इसी
क्षेत्र से जोड़ के एक प्रोजेक्ट बनाइए, जिसको आप ओपन प्रोजेक्ट होगा, उस पर आप कुछ नया करके आप उसको पब्लिश भी करा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो रिसर्च का पार्ट भी हो सकता है, आपके मीटिंग में भी काम आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबको टेक्निकल और एलेक्ट्रिकल में आए। थैंक यू।